हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम आए हैं डालिया शेरी के गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। ये मैत्रपुरा के अंदर है। इन गणपति बप्पा को रॉयल या फिर गोल्डन गणपति बप्पा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गणपति बप्पा को गोल्ड की, सिल्वर की और डायमंड की ज्वेलरी पहनाई जाती है। बप्पा को इनके मंडल की स्थापना हुई थी 1972 के अंदर, तो इस बार इनके 51 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं बप्पा के आगमन के। और अभी थोड़ा डेकोरेशन वगैरह का काम चल रहा है, आगे होने वाला बाकी। तो मैंने सोचा आपको पहले दर्शन करा देती हूँ बप्पा को, तो अगर आप चाहो तो आप भी जाके दर्शन कर सकते हो यहाँ पर आके। तो लास्ट ईयर भी मैंने आपको बप्पा के दर्शन करवाए थे, तो आप भी दर्शन कर लीजिए बप्पा के। और बहुत ही सुंदर और प्यारी गणपति बप्पा की मूर्ति है, और डिज़ाइन बप्पा की मूर्ति की सेम ही होती है ऑलमोस्ट हर बार। और ये आप देख सकते हो, ज्वेलरी पूरी बप्पा को पहनाई गई है, हाथों के अंदर जो पहनाए गए हैं वो सब गोल्ड और सिल्वर के, डायमंड के सब मिक्स ज्वेलरी है। हाथ के अंदर, पैर के अंदर, और मुकुट देख सकते हो बप्पा को, ज्वेलरी देख सकते हो, ये पूरी सब गोल्ड और सिल्वर की, पूरी डायमंड की बनी हुई है। काफ़ी सुंदर ज्वेलरी है बप्पा की, जैसे कि आप देख ही रहे हो। तो इसके कारण से ही बप्पा को गोल्डन बप्पा कहा जाता है। और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो आप आकर भी बप्पा के दर्शन कर सकते हो। दर्शन पूरे दिन और रात को भी पूरा खुला रहता है, तो आप कभी भी आकर बप्पा के दर्शन कर सकते हो। आप ये छोटी वाली गणपति बप्पा की मूर्ति देख सकते हो, ये भी पूरी गोल्ड, सिल्वर और डायमंड की है, तो काफ़ी सुंदर बप्पा की मूर्ति है। और ये ऑलवेज ऐसी यही रहती है हमेशा। बप्पा के दर्शन करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा? अगर आप जाना चाहते हो तो आप जाकर भी वहाँ पर दर्शन कर सकते हो बप्पा के। तो ऐसे ही गणपति बप्पा के दर्शन के वीडियो मैं और भी लेके आने वाली हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।